कहीं कोई विवाद नहीं है और थोड़ा बहुत यदि होगा तो फिर हमारा उपयोग क्या होगा, हमारा काम है उसको हल करना। विवाद है सर, मैंने कहा यदि कहीं कुछ होगा तो उसको हल करना हमारा। आज क्या मैं केवल एक कैंप जानता हूँ, कांग्रेस कैंप, और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस कैंप के हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट तो पीसीसी प्रेसिडेंट। जो भी मुझसे मिलना चाहेंगे, अभी तो चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट और उनको बुलाया है मैंने और उनसे बातचीत करके फिर मैं और तो सर एक टेबल पर सिद्धू और कैप्टन को बिठा के बातचीत करेंगे, क्योंकि तो बहुत कम समय, एक से अधिक बार एक टेबल पर बैठ चुके हैं, बात कर चुके हैं, माहौल बनाना है उसको देखते हैं। आगे कहते हैं हरीश रावत जी कोई नहीं, अगर सिंह कह रहे हैं अनाउंसमेंट कर सकते, राजेंद्र कुमार बत्तल कह रहे हैं, हरीश रावत अन्ना चौधरी ने कहा कि हरीश रावत उनको ऐसे बयान देने से गुरेज करने का। मैं सबकी सलाह मांग लूंगा, थैंक यू। मेरी केवल एक सलाह सबको है कि जो कुछ बात करें हम उपलब्ध हैं और मीडिया से बात कर, मीडिया के माध्यम से पार्टी में बात मीटिंग। कहीं कोई विवाद नहीं है और थोड़ा बहुत यदि होगा तो फिर हमारा उपयोग क्या होगा, हमारा काम है उसको हल करना। विवाद है सर, मैंने कहा यदि कहीं कुछ होगा तो उसको हल करना हमारा। आज क्या मैं केवल एक कैंप जानता हूँ, कांग्रेस कैंप, और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस कैंप के हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट तो पीसीसी प्रेसिडेंट। जो भी मुझसे मिलना चाहेंगे, अभी तो चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट और उनको बुलाया है मैंने और उनसे बातचीत करके फिर मैं और तो सर एक टेबल पर सिद्धू और कैप्टन को बिठा के बातचीत करेंगे, क्योंकि तो बहुत कम समय, एक से अधिक बार एक टेबल पर बैठ चुके हैं, बात कर चुके हैं, माहौल बनाना उसको देखते हैं। आगे कहते हैं हरीश रावत जी कोई नहीं, अगर सिंह कह रहे हैं अनाउंसमेंट कर सकते, राजेंद्र कुमार बत्तल कह रहे हैं, हरीश रावत अन्ना चौधरी ने कहा कि हरीश रावत उनको ऐसे बयान देने से गुरेज करने का। मैं सबकी सलाह मांग लूंगा, थैंक यू। मेरी केवल एक सलाह सबको है कि जो कुछ बात करें हम उपलब्ध हैं और मीडिया से बात कर, मीडिया के माध्यम से पार्टी में बात मीटिंग कहाँ होगी।